अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। यूपी के कौशाम्बी से बड़ी खबर आ रही है, जहां एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव पर महिला फॉलोवर द्वारा गंदा और झूठा आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। पहले तो महिला फॉलोवर ने उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और 24 घंटे के अंदर अपना बयान बदल दिया। महिला फॉलोवर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपना बयान दिया। नौकरी से निकाले जाने के कारण महिला फॉलोवर द्वारा एसपी कौशाम्बी पर लगाए गए झूठे छेड़खानी संबंधी आरोपों के संबंध में महिला फॉलोवर द्वारा मीडिया को दिया गया बयान। काम पे लगाया गया था तो मैंने यहाँ काम कर रही थी सर, और बाकी जो कुछ काम बिगड़ गया था छोटे लाल फॉलोअर से, तो उसे मेन साहब डांट के बाहर कर दिए थे। उसके दूसरे रोज हमसे एक प्लेट टूट गई थी, प्लेट के बारे में हमको डांटे बहुत फटकारे मेम साहब ने। हमने उसके बाद बंगला से कहीं निकल जाइए, तुम काम यहाँ मत करो। तो हम बोला चलो हम काम यहाँ नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं। तो सर हम इसलिए अपने मन में ठान के रो के यहाँ से चले गए। हम जाए अपने घर पहुँचे, घर से हमने मन में ठानी कि एसपी साहब को हम फंसा देंगे, इसलिए कि हमको बंगले से रोजी रोटी हमारी लगी थी, हमको यहाँ से बाहर किया गया। तो हम जाके वहाँ कागज़ भी बनवाया, मीडिया भी खबर दिया, हमने उनको गंदा आरोप लगा के हमने उनको घोषित किया। हम ये सब सरासर गलत है, हम वो आरोप जो लगाए थे आप लोग से चरम माफ़ी चाहते हैं। आखिर क्यों लगाया था आपने आरोप? हमने इसीलिए लगाया था कि जो नौकरी से हमको निकाला गया इसलिए हमने निकाल दिया। कौन लगवाया था आपसे आरोप? कोई लगवाया नहीं हमसे आरोप, हम अपनी मर्जी से लगाए थे। किसी दबाव में लगाए थे? कोई दबाव में नहीं, हम अपनी मर्जी से लगाए थे और अपनी मर्जी से हम बयान भी दे रहे थे। अच्छा, जो पहले आप किसी पुलिस अधिकारी के दबाव में नहीं दे रहे? नहीं, किसी के दबाव में नहीं।